ये है लेक व्यू और ये उस तरफ है ठंडी सड़क, इधर है माल रोड, ये पूरा है। ये पीछे नीचे देखिए आपको मछलियाँ दिख रही है। जाता है ठंडी सड़क के लिए, वो है ठंडी सड़क उधर, उधर ही पहुंचार देवी जी का मंदिर है। हम चलते हैं उस तरफ और वहीं से आगे चलते हुए वॉक करते हुए जाएंगे और वहां से हम जाएंगे नैना देवी जी के लिए। अच्छा ओके दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाँ सब्सक्राइब भी करिए। और ये देखिए बहुत सारे होटल्स हैं, होटल देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू आता है। और ये सामने मंदिर है पाषाण देवी जी का। दोस्तों ये देखिए नजारा ठंडी सड़क का, और ये ऐसे ही है वॉक करते करते, लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के आसपास या 2 किलोमीटर के आसपास होगी, सीधे नैना देवी टेम्पल पे निकलती है। वो सामने आपको अपनी दूसरी तरफ दिख रहा है, वो देखिए लाइब्रेरी है, सामने आपको बोट क्लब है उस तरफ, आगे नैना देवी टेम्पल की आवाज आ रही है। ये देखिए ऊपर की तरफ कोई लिखा भी हुआ बिना आज्ञा दंडात्मक कार्रवाई, ये कोई रास्ता आता है किसी रोड, जो थोड़ी सी गड़बड़ थी वो पूरी सही होने वाली है। देखिए सर्वे चल रहा है, तो ये सर्वे होके पूरी रोड सही हो जाएगी, उम्मीद है कुछ टाइम में ही रोड अच्छी बनेगी। और ये ऊपर हनुमान जी का मंदिर है शायद, या शंकर जी का मंदिर है, बंद है ये, हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए सर्वे चल रहा है ना जो मैंने बताया आपको। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये बजरंगबली का है, जय बजरंगबली। देखिए और अभी हम पहुंच गए हैं ठंडी सड़क के एक बहुत ही विशेष स्थान पे, जहाँ पे मंदिर भी हैं दो तीन, और ये ग्लास हाउस बना हुआ है। ग्लास हाउस एक यूट्यूबर है नैनीताल के, अमित शाह, तो हम इनके में मैंने पहली बार एक ग्लास हाउस को देखा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। ये मंदिर है 108 श्री ग्वेल देवता, गोलू देवता जी का भी एक मंदिर है यहाँ से, तो हम जय गोलू देवता जी की। और ये देखिए ये ठंडी सड़क का ग्लास हाउस है, जो भी जल्दी बना हुआ है, मैंने बताया था ना आपको, मैंने जो अमित शाह है उनके में देखा हुआ था। तो ये देखिए ग्लास हाउस है, आइए इसके पास हम लोग कुछ अपनी फोटो क्लिक कराते हैं। और बहुत ही अच्छा बन गया है ये, मुझे लग रहा है अंदर इसमें जैसा वो बता रहे थे चेयर वेयर भी बनेगी लगेगी, जैसे कि जब बारिश हो कभी स्नोफॉल हो तो लोग आके बैठ जाएं। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर से कुछ गिरा है तो वो ग्लास भी चिटक गए, देख रहे ना आप, ये देखिए ये ग्लास चिटक भी गए शायद। तो अगर ये सच में चिटका हुआ है, डिजाइन नहीं है, तब तो ये बहुत ही ये डेंजरस भी है। ये ग्लास हाउस से व्यू है इधर का, और ये व्यू है ऊपर से दिखता है ग्लास हाउस, अंदर से कैसा है एक बार दिखाते हैं आपको। ये देखिए अंदर से ऐसा बना हुआ है, और जैसा मैंने आपको जो बताया ना कि थोड़ा सा शीशे लग रहे हैं चिटक गए हैं, तो ये थोड़ा सा कुछ और डेंजरस हो सकता है, हालांकि डबल लेयर है। तो ये देखिए अंदर से ऐसा है ग्लास हाउस। अभी चलते हैं हम बाहर और चलते हैं माता जी की तरफ। ये गोलू देवता जी का मंदिर है, ग्लास हाउस के सामने ही है। ये वही फिल्ट्रेशन और एरेशन के लिए जो बना हुआ है ना, वैसा ही है। लेक के दोनों साइड है, दोनों साइड है लेक के, एक उधर भी है और एक इधर है। उधर वाला मैंने आपको, उधर नहीं है, ओके उस तरफ नहीं है, इसी तरफ है ये, एक लेके एक इसी रोड पे दो हैं। ये है मंदिर शनिदेव मंदिर ठंडी सड़क, ओके शनिदेव जी का मंदिर है ये ठंडी सड़क पे। ये देखिए शनिदेव जी का मंदिर, जय हो शनिदेव। यहाँ पे बैठने का भी है अरेंजमेंट, पूरी रोड पहली जगह दिखाई गई बैठने के लिए, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप लेक के व्यू ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं लेक का, आराम से बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। और ये ना चिल करने के लिए, लोग बोलते हैं ना चिल मारने के लिए, तो चिल मारने के लिए जगह अच्छी है। बस एक चीज का आप ख्याल रखिए, ख्याल रखिए जो मैं अपनी हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, मैंने पहले भी नैनीताल की वीडियो में बोला कि आप लोग जब भी बाहर से आइए तो यहाँ पे गंदगी मत फैलाइए। बहुत से लोग भीड़ लेके बैठ जाते होंगे,
ऐसा ही मत करिए, बहुत सारे बियर की केन वेन दिखाई देते हैं नदी में तो इसमें लेक में, तो ऐसा मत करिए, गंदगी मत फैलाइए। जगह जगह देखिए बॉक्स रखे हुए हैं, ये देखिए कूड़े के, तो कूड़ा मत फैलाइए। इंसान है तो इंसानों का परिचय दीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि जब नैनीताल के लोग कम से कम ये गाली गरियाएं तो ना कि यार बाहर से लोग आए और बताओ गंदा कर दिया हमारा शहर, ऐसा ना हो, इनकी भी जीविका चलती रहे और हमारा भी जो पूरा पूरा एक आनंद है टूरिस्ट प्लेस का वो बना रहे हमेशा, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। तो किसकी पत्तियां ऊपर की तरफ ये रेड रेड है, दिख रही कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही होगी, ऊपर की तरफ रेड रेड है क्योंकि धूप उस तरफ से आ रही है ना, और नीचे की तरफ पत्तियां हैं ऐसी, ये देखिए पास से ऊपर रेड है बिल्कुल और नीचे ग्रीन तरह की पत्तियां हैं इसकी, बिल्कुल नई पत्तियां इसमें कोपले निकल रही हैं, बिल्कुल अलग पेड़ था। मैंने कहा आपको जल्दी ये दिखाते, स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ साफ सफाई में लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बस तुरंत बता ही रहा था, ये देखिए बता ही रहा था कि हम लोग बाहर से आते हैं तो कोशिश किया करें कि गंदी मत किया करें। ये देखिए बच्चे हैं, इनका भी अपना कोई प्रोजेक्ट टाइप का होगा, और पूरी नदी के आसपास ठंडी सड़क का पूरा एरिया ना ये साफ सफाई कर रहे हैं। ये पूरी देखिए मैंने बताया ना, अभी आपको सर्वे चल रहा है, पूरी रोड ये बन भी रही है बढ़िया से, कहीं बन जाएगी उस टाइम में अच्छी हो जाएगी, ये भी बिल्कुल मॉल रोड की तरह ही बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ लोग कम ही आते हैं। ये देखिए सब साफ सफाई हो रही है, बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे साफ सफाई करने में, देखिए नीचे तक उतर के पूरी साफ सफाई कर रहे हैं। कौन से स्कूल के आप लोग? पॉलिटेक्निक कॉलेज, ओके ओके, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के हैं ये लोग, साफ सफाई कर रहे हैं नदी की, नदी क्या मतलब सराउंडिंग्स की और ठंडी सलक की। अब सामने नैना देवी मंदिर आ गया है, ये बिल्कुल सामने आपको नैना देवी मंदिर दिख रहा है, हम पहुंच गए हैं वहां। चलिए अब नैना देवी दर्शन पहुंचे, आपको दर्शन कराते हैं और इसी वीडियो में हम आगे कंटिन्यू नैना देवी के दर्शन भी कर लेंगे। सड़क से ही आगे बढ़ के एक ये है, बना सकते ना वीडियो? ओके ओके ओके, क्या क्या एक बार रेट बताइए जरा, ऊपर जो ये बॉटल से इनकी क्या रेट है? 350। ओके, बॉटल है 200। ओके, टेम्परेचर बॉटल है 200 रुपए में, ये 250 में, ओके ये 200 में है, और ये छोटे छोटे गिफ्ट हैं 30 रुपीज, है ना, 30-50। ये क्या चीज है? ये वाटर गेम। अच्छा वाटर गेम है बच्चों का, कितने का ये? थोड़ा स्टाइलिश करके 80 रुपीज। ओके, हम लोग जो पहले खेलते है ना वैसा ही है बिल्कुल ये, और ये पेन है 3-4 तरह के इसमें, ओके BT20। हाँ BTS का क्रेज है बच्चों में, तो वैसे ही उससे रिलेटेड चीजें हैं, तो बस ऐसी छोटी छोटी शॉपिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? कैली ब्रिगेंजा जी, है ना, जैसे ही हम लोग आते हैं ठंडी सड़क जहाँ पे खत्म होती है और वहीं पे ही है इनकी शॉप, बस हम लोग थैंक यू हम लोग यहीं से चले आए। आगे आप देख सकते हैं ये मार्केट, ठंडी सड़क के ही आगे की मार्केट, ये देखिए ऐसे ही है ना, ये यहाँ पे स्टॉल्स ले सकते हैं 100, 150, 200, 300 रुपीज का, यहाँ पे सब चीजें मिल जाएंगी, ऑनलाइन पेमेंट भी अवेलेबल है यहाँ पे पेटीएम से। ये स्टॉल्स हैं, बच्चों के खिलौने की भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप ले सकते हैं देख सकते हैं। ये देखिए ये धर्मशाला एक है, माँ नैना देवी मंदिर धर्मशाला, ये धर्मशाला है और धर्मशाला ये भी बहुत अच्छी है, नैना देवी मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है ये धर्मशाला। ये देखिए यहाँ आ गए, ये नैना देवी मंदिर में आगे खुलता है ये रास्ता, ये देखिए भाई आ गया चाइना टाउन वाला आ गया ना पूरा, ये उसी जगह हम आ गए जहाँ हम कल थे। तो ये एक है, हम आपको भी नैना देवी जी के दर्शन कराएंगे, उसके बाद कोशिश करके इस वीडियो को एंड कर देंगे, आगे फिर आपको देखिए हमें नैना देवी मंदिर में, उधर हनुमान जी का है, सामने नैना देवी जी का है, भैरव मंदिर, राधा कृष्ण जी, ये है भोलेनाथ जी का स्थान, और ये देखिए नैनी लेक जिसमें तल्ली ताल और मल्ली ताल दोनों हैं, ये है हिस्सा पूरा। मंदिर में फोटो वीडियो करना अलाउ नहीं था, यदि आप नैना देवी जी की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जी। देखिए कितना क्लियर व्यू है, अगर बादल होते ना तो यही सब ओपन क्लियर नहीं दिखता, बहुत ही धुएं धुएं दिखते, जैसे पहले वाले ब्लॉग में ना आपको दिखा होगा, इससे पहले जो था 1.5 साल पहले का, उसमें देखिए कितना क्लियर नहीं था व्यू, अभी देखिए कितना अच्छा व्यू है।